सीबीएसई का जो सिलेबस है वो इस लेवल से डिजाइन किया गया है कि वो स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। उसमें स्टूडेंट्स की ऑलराउंड डेवलपमेंट का ख्याल रखा जाता है जो जेके बोर्ड के सिलेबस में नहीं किया जाता। यही तो कारण है जिसके कारण जेके बोर्ड का जो स्टूडेंट है वो ऑलराउंडर डेवलपमेंट कर ही नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कंबाइंड एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई वर्सेस जेके बोर्ड का डायरेक्ट कंपैरिजन। इसमें हम काफी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे इस कंपैरिजन वाली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जेके बोर्ड वर्सेस सीबीएसई का डिफरेंस, जिसमें हम सिलेबस का डिफरेंस समझेंगे, ट्रांसपेरेंसी का डिफरेंस समझेंगे, कॉम्पिटिशन का डिफरेंस समझेंगे और ये चीज समझेंगे कि कौन सा सिलेबस स्टूडेंट को ऑलराउंडर डेवलपमेंट पॉसिबल करने में हेल्प करता है। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए समझना बड़ा जरूरी है, अगर आप जेके बोर्ड के अंडर स्टूडेंट हो या अगर आप सीबीएसई के अंडर स्टूडेंट हो, और अगर आप जेके बोर्ड से सीबीएसई शिफ्ट होना चाहते हो या सीबीएसई से जेके बोर्ड में शिफ्ट होना चाहते हो तब ये वीडियो आपके लिए बड़ी जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट कंपैरिजन समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों सीबीएसई को ज्यादा रेप्यूटेड एक बोर्ड देखा जाता है एज कम्पेयर टू जेके बोर्ड, तब भी ये वीडियो आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। आज की इस वीडियो से होगा क्या, आज की इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आखिर क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं सीबीएसई में और जेके बोर्ड में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। उससे पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लो ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। दोस्तों इस डिफरेंस वाली वीडियो में हम जो पहला फैक्टर कंसीडर करेंगे वो है करिकुलम एंड सिलेबस। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीएसई की। सीबीएसई का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम के द्वारा डिजाइन किया जाता है। एनसीईआरटी डिजाइन करती है सीबीएसई का करिकुलम जो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। अगर हम सीबीएसई के अप्रोच की बात करें तो इसका अप्रोच प्रैक्टिकल भी रहता है और एप्लीकेशन भी रहती है, मतलब स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिकली चीजों के लिए भी तैयार करते हैं। लाइक कोई कॉन्सेप्ट समझाया उसको ये ना बड़े प्रैक्टिकल वे में समझाते हैं और ये स्टूडेंट को एप्लीकेशन के लिए भी तैयार करते हैं, अप्लाई के लिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, लाइक आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो सके इसमें ज़्यादा इनका फोकस रहता है। उसके बाद इनका जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नेशनल लेवल के एग्जाम्स को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि इसमें मैं बुक्स की एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपको बुक्स उठाना थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, ये चार पांच क्लासेस की आप बुक उठाना सीबीएसई की और जेके बोर्ड की। यहाँ जो फाउंडेशन क्लासेस होती है ना, ये वाली थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, इनमें ना जेके बोर्ड की बुक्स में काफी आउटडेटेड चैप्टर्स, आउटडेटेड टॉपिक्स आपको मिलेंगे और कुछ ऐसे चैप्टर्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में के रीजन के लिए सूटेबल है। लेकिन वहीं अगर आप सीबीएसई की बुक्स देखोगे तो वहाँ पे अपडेटेड चैप्टर्स आपको मिलेंगे, न्यू एंड एडवांस्ड चैप्टर्स आपको मिलेंगे, एडवांस्ड टॉपिक्स आपको मिलेंगे। और ये जो चार पांच क्लासेस मैंने आपको बोली ना, ये बेस लेवल होते हैं, ये फाउंडेशन लेवल होता है जिससे स्टूडेंट का आगे का फ्यूचर बनता है। ये बात कर ली हमने सीबीएसई की, सीबीएसई स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम को फॉलो करता है, इसकी जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है, ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए। वहीं अगर हम जेके बोर्ड का सिलेबस और करिकुलम देखें तो जेके बोर्ड का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स ये आंसर राइटिंग चाहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रहती जेके बोर्ड के करिकुलम की। उसके बाद ये स्टूडेंट्स को किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करता, जो हमारा जेके बोर्ड का करिकुलम है, सिलेबस है, ये किसी भी तरह के नेशनल लेवल एग्जाम के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर नहीं करता। तो ये आ गया पहला डिफरेंस। दूसरे लेवल का जो डिफरेंस है, दूसरा जो हम फैक्टर लेंगे, कंसीडर करेंगे, जिसको कंपैरिजन समझने के लिए जेके बोर्ड
सीबीएसई का वो है 10-10 डिफिकल्टी लेवल। इसमें भी सबसे पहले हम सीबीएसई के बारे में बात करेंगे। तो सीबीएसई का जो बुक्स का कंटेंट लेवल है ना, वो एक तो सेंट्रलाइज्ड है, यूनिफॉर्म है। इंडिया में आप किसी भी सीबीएसई स्कूल्स में चले जाओ, कोई भी स्कूल जो सीबीएसई के साथ एफिलिएटेड है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको सेम तरह का सिलेबस, सेम तरह का पैटर्न जो है वो पढ़ाया जाएगा। ये कंटेंट आ गया। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो सीबीएसई का जो सिलेबस है वो स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसका सिलेबस जो है वो थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन के लिए सीबीएसई का सिलेबस जो है वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है। वही अगर हम जेके बोर्ड की बात करें तो जेके बोर्ड का जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही एप्लीकेबल होगा, जो स्कूल्स जेके बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है। और जेके बोर्ड का जो सिलेबस है वो नेशनल नीड्स के बजाय जो लोकल नीड्स है, जो लोकल ज़रूरतें हैं, उनके साथ अलाइन किया होता है। और जेके बोर्ड का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि सीबीएसई का जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल है वो इसलिए हाई है क्योंकि वो स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिशन के लिए रेडी कर रही है, वो स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। और जेके बोर्ड की ज़्यादा अप्रोच यही है स्टूडेंट्स को अकेडमिक सर के लिए प्रमोट करना, कि स्टूडेंट्स के सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे उसका टैलेंट जज करना, ये जेके बोर्ड का अप्रोच है। दोस्तों तीसरा फैक्टर जिसको हम कंसीडर करेंगे कंपैरिजन में जेके बोर्ड और सीबीएसई का, ये आता है असेसमेंट पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न। अगर हम सीबीएसई का असेसमेंट पैटर्न देखें ना, सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न देखें, सीबीएसई का पेपर पैटर्न देखें, तो हम ये चीज़ पाएंगे सीबीएसई किस पे फोकस कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। वो स्टूडेंट से ये चीज़ कह रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा क्या पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। और वही अगर हम जेके बोर्ड की बात करें तो जेके बोर्ड का जो असेसमेंट पैटर्न है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो पेपर पैटर्न है, वो स्टूडेंट्स से क्या कहता है कि हम आपकी क्या करेंगे, हम आपकी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को चेक करेंगे कि आप आंसर किस तरह से लिख रहे हो। मतलब अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें ना, तो उसमें हमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, क्योंकि अगर हम आंसर के बारे में बात करें तो अगर हमें उसकी थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, तो हम आंसर बना सकते हैं, अगर हमें ड्राफ्टिंग आती है तो। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, वहाँ पे ना ये नहीं होता कि हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, हमें उसके बारे में ना पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम एक करेक्ट आंसर जो है उसको फिल कर सकते हैं। तो ये असेसमेंट पैटर्न का डिफरेंस आ गया, कंपैरिजन आ गया जेके बोर्ड में और सीबीएसई में। जो हमारा फोर्थ एस्पेक्ट आता है जिसकी वजह से हम कंपैरिजन करेंगे जेके बोर्ड और सीबीएसई का, वो है फोकस ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का मेन फोकस, मेन केंद्र क्या है। तो अगर हम सीबीएसई के बारे में बात करें तो उनका जो फोकस है वो हॉलिस्टिक एंड बैलेंस्ड अप्रोच है। हॉलिस्टिक यानी वो कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उसी तरह से बैलेंस्ड अप्रोच है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सीबीएसई प्रैक्टिकल और डिस्क्रिप्टिव को ना बड़ा साथ लेके चलती है, साथ साथ लेके चलती है। वो एक डिस्क्रिप्टिव को और अपने प्रैक्टिकल को ना एक गाड़ी के दो पहियों के समान मानती है, कि दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। वो करिकुलम एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। उनमें कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे स्टूडेंट की स्किल डेवलपमेंट हो सके। कई सारे ऐसे बुक्स लगी होती हैं सीबीएसई स्कूल्स में जो जेके बोर्ड के स्टूडेंट्स से, मतलब उनका नाम भी नहीं सुना होगा, लाइक ड्रग्स एडिक्शन को लेके, हेल्थ एजुकेशन को लेके, स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, ऐसे काफ़ी सारी बुक्स वहाँ पे आपको मिलेगी जो जेके बोर्ड में अभी तक नहीं आई है। और वही अगर हम फोकस ऑफ एजुकेशन जेके बोर्ड का देखें तो जेके बोर्ड का जो मेन केंद्र है एजुकेशन का, वो ये है कि स्टूडेंट को आंसर राइटिंग कितनी आती है। क्योंकि अगर हम 8th क्लास के बारे में बात करें, 10th के बारे में बात करें, 11th के बोर्ड के बारे में बात करें, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते नहीं है। अगर हम 11th के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आते हैं, 8th में तो उतने भी नहीं आते। वो ज़्यादा आपसे क्या चाहते हैं कि आप डिस्क्रिप्टिव कितना हो सकते हैं, आप आंसर कितना अच्छा फ्रेम कर सकते हो। तो जेके बोर्ड का जो एजुकेशन का फोकस है वो मतलब डिस्क्रिप्टिव पे है, राइटिंग पे है,
कि आप कितना परफेक्ट आंसर लिख सकते हो। हालांकि आंसर राइटिंग भी एक मेन चीज़ है भाई, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है ना, तो प्रीलिम्स तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप से निकाल लोगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से निकाल लोगे, लेकिन उसी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आप कितना परफेक्ट आंसर लिख रहे हो ये भी तो चाहिए ना, मार्क्स तो मेन से ही बनेंगे ना। तो जेके बोर्ड की ये अप्रोच है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि अभी तक वो इतना ऑब्जेक्टिव टाइप पे नहीं आए हैं, स्टूडेंट्स को करने दे रहे हैं, आंसर बनाने दे रहे हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे सीबीएसई का जो तरीका है वो जेके बोर्ड को फॉलो करना चाहिए, लाइक बैलेंस्ड अप्रोच बनानी चाहिए यार। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा देना चाहिए, करिकुलम एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, अपनी हॉलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, और ना एक जेके बोर्ड को रिफॉर्म लाना चाहिए, एक लॉ बनाना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जेके बोर्ड के अंडर एफिलिएटेड जितने भी स्कूल्स हैं उनमें डिजिटल बोर्ड हो। क्योंकि मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूँ, एक साइंस का टीचर है, वो एक स्टूडेंट को हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट समझा रहा है। क्या समझा रहे हैं? हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट। क्या करते हैं, बुक्स उठाई या अपने भी जो नॉलेज है वो गैदर की और स्टूडेंट्स को ना सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया कि देखो बेटा हार्ट अटैक क्या चीज़ है, इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, अगर हार्ट अटैक किसी को आ जाए तो उसको क्या हम रेमेडीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये जेके बोर्ड के स्कूल्स में क्या होता है, इसी तरह का सिस्टम चलता है, वो स्टूडेंट को सिर्फ बोर्ड के समझा देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी लगा होता है स्कूल में उसमें ना एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को डिजिटल बोर्ड के थ्रू, इमेजेस के थ्रू समझाया जा रहा है, वीडियोस के थ्रू समझाया जा रहा है, पिक्चर्स के थ्रू समझाया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स को ना रिटेंशन ज़्यादा देते हैं, स्टूडेंट्स अपना ध्यान जो है ना उस चीज़ पे ज़्यादा देते हैं। उसी तरह से अगर कोई ज्योग्राफी का टीचर है और वो सुनामी का कॉन्सेप्ट, अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट, वॉल्केनो का कॉन्सेप्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो क्या करेंगे, बुक्स उठाई और उसी को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है, एक्सप्लेन करना इज द बेस्ट चीज़, आप बोल के किसी को समझा रहे हो, इससे परफेक्ट चीज़ कोई है नहीं। क्योंकि हमारे एंशियंट टाइम में भी इसी तरह का जो सिस्टम है वो चलता था कि बोल के आप स्टूडेंट्स को चीज़ें समझाई जाती थी। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आज का समय डिजिटलाइजेशन का समय है, तो क्यों हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेटर ना दें अंडरस्टैंडिंग। अगर डिजिटल बोर्ड हो तो उससे टीचर के लिए भी कितना आसान होगा, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में वो अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं, उसकी इमेजेस, उसकी वीडियोस, उसकी पिक्चर्स, ये सारा डिजिटल बोर्ड में वो समझा पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो जेके बोर्ड में आने चाहिए। बला आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि दोनों बोर्ड अपनी जगह बेस्ट है, सीबीएसई भी और जेके बोर्ड भी। जिस तरह से बुक्स का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, टीचर्स का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उसी तरह से एजुकेशनल बोर्ड का कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। बला आज की ये वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ दर्शाने के लिए कि किस तरह से सीबीएसई अलग अप्रोच फॉलो करता है और जेके बोर्ड अलग अप्रोच फॉलो करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लो, और आज के लिए बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।